गुजरते फोन। बीबी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। क्या हुआ खैरियत? ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों? अब डॉक्टर के पास गई थी ना, आपकी जो अपॉइंटमेंट मैंने बनाई थी। डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है उनके पास। क्या बात? मतलब ये कि जो मोहब्बत मुझे मेरे पोते हाशिर के साथ है, इस बीमारी का इलाज कहाँ है इन बेचारे डॉक्टरों के पास? हमें तो डरा दिया बीबी जान। अच्छा तो तुम्हारे पास है कोई इलाज इस बीमारी का? आप साफ साफ कहें, आप चाह रही मैं पाकिस्तान आ जाऊँ? मैं कहूँगी तो क्या तुम आ जाओगे? क्यों नहीं आऊंगा बीबी जान, आपके अलावा मेरा कौन है? मैं कल सुबह टिकट बुक कर रहा हूँ। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो बस फिर आज से ही मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं फौरन पहुंच रहा हूँ, चले फिर सुबह बात करते हैं। खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। So is your flight booked? Confirmation आ गई है। Good. I'll really miss you. I wish you didn't have to go. I know. लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। बीबी जान की कॉल आई है। हाँ। वापसी कब तक होगी? I don't know. उन्होंने कहा था शायद ज़मीनों का कुछ काम है, so I'm not really sure. तुम भी आ जाओ मेरे साथ। Very funny. हमारी शादी का किसी को पता भी नहीं है वहाँ। तुम क्या कह के मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगे? ऐसे कैसे पाकिस्तान आ जाऊं? ये तो है। But don't worry. This time I'll tell everybody. I'm serious. I hope everything works out well. And I hope कि बीबी जान हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ले। Of course करेंगी। You have no idea how much she cares about me. After all, मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। सैयद आलमगीर शाह का आखिरी जश्न-ओ-चराग। जो तुम्हारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है, बट मेरे लिए एक्चुअली ये परेशानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि आई एम श्योर वो चाहेंगी कि मैं उनके इकलौते वारिस को उनके लिए एक वारिस पैदा करूं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। अरे ठीक बात है। और सोचना भी नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि मेरे कितने सारे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कैन यू थिंक ऑफ हैविंग अ चाइल्ड? एंड हमारा बच्चा हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा। परेशान होने की बात नहीं है, कम ऑन। बीबी जान आपने बुलाया था मुझे? हाँ, ये जेवरात का डिब्बा उठाओ और मेरे साथ चलो। जी बीबी जान।
और तुम जाओ। तुम्हें पता है हाशिर आ रहा है और मैं चाहती हूँ इस बार वो आए तो तुम दोनों के नए रिश्ते की शुरुआत हो। भले हाशिर का निकाह बचपन में हुआ हो लेकिन तुम हो तो उसकी बीवी ना। वो निकाह नहीं था बीवी जान, एक मुआहदा था जिसके बिना पर दो खानदानों के बीच में नस्ल दर नस्ल चलती दुश्मनी का इख्तिताम हुआ था। आप क्यों मुसल्लत करना चाह रही हैं मुझे अपने पोते के सर पर? मुझसे 7 साल छोटा है। वैसे भी मैं आपके बेटे के खून बहा का तावान हूँ। इसके अलावा आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम गैरत हो हमारी, बीवी हो मेरे हाशिर की। तुम जानती हो हमने तुम्हारे साथ कभी भी बदसलूकी नहीं की, कभी नहीं ऐसा सोचा। चूंकि तुम वनी में आई हो तो तुम्हें तुम्हारे हुकूक ना मिले। आप सही कह रही हैं बीबी जान, और ये आपकी मोहब्बत ही है जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूं, वरना मैं कब की मर चुकी होती। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये जेवरात देखो, हमारे खानदानी जेवरात, इन पर हक है तुम्हारा, बन समर कर रहा करो। जचेगा ना तुम पर? वालेकुम सलाम। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आपको? दिखाएं दिखाएं। अल्लाह देखिए देखिए भैया, तो बहुत खून निकल रहा है, मैं दवा लेके आती हूँ। भैया कितनी दफा कहा है कि ध्यान से काम किया करें। ये पट्टी ने पट्टी ने साफ कर दिया, थोड़ा सा भाई दबा के रखे ताकि खून नहीं निकले। यहाँ पर मैं लगा था। मेरा ख्याल है कि अब आपको थोड़ी देर ना आराम करना चाहिए। अरे बेटा बहुत काम पड़ा हुआ है, अर्जेंट ऑर्डर था, मालिक मुझे छोड़ेगा नहीं, कल से फोन आ रहे हैं उसके। आप उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा बच्चा नहीं, रुक रुक रुक, तुम इतनी थकी हुई आती हो, आके मेरे साथ लग जाती, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। नहीं हरगिज़ नहीं। अच्छा बहन काम करती है तो शर्मिंदगी होती, बीवी तो कोलू का बैल है, मुफ्त की मुलाजम। अगर बकरी 2.5 शेर दूध देके उसमें मेहनियां कर देना तो दूध किसी काम का नहीं रहता। कौसा बीवी, तुमसे ज्यादा काम करती हूँ मैं और तुमसे ज्यादा जिम्मेदारियां संभाल रखी है मैंने। एहसान है आपका, अगर आप ना होती तो हम तो भूखे ही मर जाते। जिस दिन मैं नहीं होंगी ना इस घर में, उस दिन तो मैं एहसास होगा कि इस घर के लिए मेहनत कौन करता है। हमें तो कोई 2 घूंट पानी भी नहीं पिलाता इस घर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस अहल जमीर। गो ग्रैब योर टिकट्स फॉर प्रवासी जुनून व्हिच इज कमिंग आउट दिस ईद उल अज़हा।
हाशिर, जब तुम फिर अकेले आ गए हो, रिजा भी कहाँ है? जब मैं तुम्हें मना किया था रिजा के बारे में बात मत करना, जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा उसके बारे में शुरू हो गए। यार तुम अजीब बातें करते हो, तुम्हें पता है कि बीबी जान ने तुम्हें हवेली बुलाया, अब हम डायरेक्ट वहां जा रहे हैं। हैं अभी? जी हाँ अभी। मुझे ऐसा लगता है कि बीबी जान तुम्हारे घर की उदासी से तंग आ गई, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार वो तुम्हें खुदा के ना मिले बल्कि तुम्हें वहां बुला लें। लेकिन तुम रिजा भाभी को बीबी जान से मिलवा क्यों नहीं रहे यार? मैंने तुम्हें बताया यार, बीबी जान को मेंटली प्रिपेयर करना है मुझे। I can't just bring her around. और इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। मेरी मदद? हाशिर इस काम के लिए मेरी मदद की क्या जरूरत है यार? ना तुम्हारे बगैर ये काम नामुमकिन है, इतनी आसानी से जान ही छुटा सकते बॉस। यार हर बार कुर्बानी का बकरा मैं क्यों बनता हूँ यार? Because you're my best friend, that's why. अब सोने दो यार, लंबी फ्लाइट थी। लंबी फ्लाइट थी, सो जा। तू सो ले मेरी नींदें उड़ा के। यार बीबी जान के सवालों के जवाब कौन देगा यार? या अल्लाह मुझे बचा ले। हंस ले हंस ले और हंस यार, कोई और हाल नहीं निकल सकता। सो गया। क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? कोई जॉब तलाश की या फिर आज ऐसे ही मुंह उठा के चली आई हो घर? जॉब अच्छी एजुकेशन से मिलती है भाभी। तो क्या तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है? आजकल तो मैट्रिक इंटर पास लड़कियां अच्छी खासी जॉब कर रही हैं प्राइवेट स्कूलों में और टीचिंग करके ठीक ठाक कमा लेती हैं। तुमने तो फिर बीए किया हुआ, 2-4 हज़ार रुपए के लिए मुसलसल सर खपाई नहीं होती मुझसे, और ना ही मैं 100-100 रुपए के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। और ये बात मैं आपको आखिर कितनी दफा बताऊं? बीए किया है तुमने, एमबीए नहीं किया जो इतनी ऊंची परवाज उड़ रही? साफ साफ कहो कि मेहनत करके तुमसे कमाया नहीं जाता। अब जाहिर है ट्यूशन पढ़ाओगी तो कमर दुख जाएगी तुम्हारी, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम्हें। चुप कर जाओ। रीना यहाँ अपने भाई की कमाई खाती, तुम्हारी नहीं। और तुम्हें इतनी परेशानी है तो ना दिया करो ना घर में खर्चा। मैं और मेरी बहन, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी आराम से गुजारा कर लेंगे। बड़े आए गुजारा करने वाले, सिर्फ बातें करनी आती है तुम लोगों को, गुजारा करेंगे। सफर कैसा रहा तुम्हारा? हाँ बिल्कुल ठीक, शायद आपसे मिलने की तड़प ही ऐसी थी। चलो आप अंदर आओ, चलो आज
आपसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो सुनाएं आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ। सुना आपने इंटर का एग्जाम दिया था, वो भी अच्छे मार्क्स से। कांग्रेचुलेशंस। जी थैंक यू। तो आपने मजीद एजुकेशन जारी क्यों नहीं रखी? असल में हमारे गांव में औरत के लिए कोई और आगे पढ़ने की सहूलत मुयसर नहीं, बस इसीलिए आगे नहीं पढ़ा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। बीबी जान आपने एडमिशन क्यों नहीं दिलाया हॉस्टल में इसको? सेंड मी टू यूरोप डिडंट यू? मैंने तुम्हें तालीम हासिल करने के बहाने यूरोप भेजा था हाशिर अली शाह, ताकि तुम इस दुश्मनी से दूर रहो जो बरसों से दो ख़ानदानों के बीच चलती आ रही थी। सिर्फ यही मकसद था मेरा, वरना मैं क्यों तुम्हें खुद से दूर रखती? ओहो बीबीजान कहाँ खो गई, यू ओके? अरे नहीं बेटा, कहीं नहीं। कभी भी माजी की तल्ख यादों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम पहले चाय पी लो, उसके बाद हम बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। जरूर जरूर, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मछली देना हैदराबाद से, वो जाके ले। आई रियली वांट टू हैव दैट टुमारो। अरे लीना बेटा, खाना ठंडा हो रहा, आ जाओ। भैया वो मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाए। नाराज हो हमसे? नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इत्मीनान से खाना खाइए। जाओ जाके अपनी चहेती बहन के पांव पकड़ लो ना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से खाना नहीं खा रही। अरे मेरे किन किन एहसानात को ठुकराएगी ये? पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि अपने इकलौते भाई से इसका रिश्ता करवा दिया, लेकिन नवाबजादी के तो मिजाज मिलते ही नहीं है भाई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, फिर बार बार क्यों उसका जिक्र ले आती हो बीच में? तो आखिर कब तक बिठा के रखोगे अपनी चहेती बहन को इस घर में? तुम्हारी अपनी भी दो दो बेटियां हैं जिनको ब्याहना है। ये मेरे माँ बाप का, आपका नहीं। मैं जब तक चाहूं यहां रह सकती, और मुझे यहां से कोई भी नहीं निकाल सकता। और अगर किसी को मसला है ना मेरे यहां रहने से, तो वो जाए यहां से। और मुझे बातें सुनाने का हक किसी को भी नहीं है। जल्दी खाओ। खूबसूरत आते ना बीबी जान, बहुत बातें करनी है आपसे। बाबा की यादें आपको फिर से सता रही हैं? ओह वो मुझे भूला ही कब। बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता था, तो मैं देखती हूँ तो जैसा लगता है जैसे मेरा आमिर लौट आया। आपको खुश होना चाहिए ना बीवी जान, इतनी उदास क्यों हो रही है?
पता मैं क्या चाहता हूँ? क्या? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही चलें। अभी कुछ अरसे तक तुम भी यहीं रहोगे और यहाँ रहकर अपने जमीनों के मामलात सुलझाओगे। तो नबीद है ना, वो चीजें हैंडल करता है, कितने अरसे से कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम। आ जाना मेरे साथ, आई विल लव इट। आशिर, जो काम तुम्हारे करने के हैं उसकी जिम्मेदारी तो तुम नबीद पर मत डालो। हाँ, मैं समझा नहीं। समझ नहीं आ रही, तुम समझना नहीं चाह रहे। फिरोजा से तुम्हारा निकाह हो चुका है, बचपन में हुआ था निकाह, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। और मैं अपना फैसला आपको बता चुका हूँ, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। नहीं मानता ये बचपन की नासमझी। नासमझी क्या है? ये फैसला तुम्हारे बुजुर्गों ने किया था। तुम ना समझ हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग तो ना समझ नहीं। बुजुर्ग तो समझदार थे बीबी जान, लेकिन ये फैसला ना समझी का था। भैया, आप सोए नहीं? अरे बेटा, जिन लोगों की तकदीरें सो जाती है ना, उन्हें नींद भी नहीं आती। ऐसी ना शुक्री की बातें ना करें भैया। बातें ही कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आपको पता है, आपने हमेशा हम सब के लिए अपनी बिसात से बढ़ के काम किया। ये तो तुम कहती हो ना बेटा, हमारी कैसरा बेगम तो नहीं मानती। हालात की तंगी इंसान को तरह बना देती है भैया। कुछ भी हो, तुम उसकी बातें बुरी तो लगती है ना, दिल तो इंसान का दुखता ही है ना। यही कसर रह गई थी नमक हराम की। सारा दिन फैक्ट्री में मैं तुम दोनों के लिए काम करती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, और तुम दोनों यहाँ पे बैठ के मेरी पीठ पे चुना घोप रहे हो। आज तब पक्के सो रहे हैं अंदर। भैया, जब तुम दोनों मिलके मेरी बुराइयां कर रहे थे और ये मोहतरमा तुम्हें मेरे खिलाफ बरगला रही थी, तब ख्याल नहीं आया कि बच्चे सो रहे हैं। अब तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई तो मैं ख्याल करूं कि बच्चे सो रहे हैं। तुम्हें कोई भी सफाई देने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा जो समझना है समझो। अरे समझी तो मैं हूँ तुम दोनों बहन भाइयों को। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे पल्ले बांध दिया मुझे। जिंदगी हराम करके रख दी इस लड़की ने मेरी। उस पता नहीं कब जान छुटेगी। अम्मी, अरे हटो। अम्मी, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूं। अम्मी, हम भी जाएंगे अपने साथ। किस पैर कहाँ जा रही? अरे जहन्नुम में चली जाओ। अब ये एहसान फरामोश बदतमीजी करेगी मेरे साथ, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगी। अभी हम भी आपके साथ जाएंगे। अरे हटो पीछे, पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लिया मैंने तुम दोनों का। क्या पागलपन है कैसरा, ये घर तुम्हारा भी है, हमारा भी, हम सबका है, कोई कहीं नहीं जाना। ठीक है, एक ही शर्त पे इस घर में वापस आऊंगी। या तो इस घर को मेरे नाम करो या अपनी इस बहन को घर से रवाना करो। जितनी जल्दी तुम ये फैसला करोगे ना, तुम्हारे हक में उतना ही बेहतर होगा। बस हटो यहाँ से। अरे अरे इधर आओ, इधर आओ। रात को हाशिर साहब के मेहमान आ रहे हैं, देखना कोई कमी ना हो बंदोबस्त में, और वो शरबत वगैरह का इंतज़ाम रखना। ठीक है, चलो जाओ। हेलो, आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ मैं? जी, कुछ चाहिए था आपको? बीबी जान दो दिन से कमरे में बंद है, आखिर क्यों? मुझे क्या पता, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और लोगों से तो मिल रही है वो?
مجھے لگتا ہے ان کو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر میں انکار کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک شادی کر رکھی ہے اور یہ میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. اس طرح انہوں نے یہ ایک رشتہ مجھ پر مسلط کر دیا جس میں میری کوئی چوائس ہی نہیں تھی. آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ میسج پہنچائیں اور میں آپ کو فورس نہیں کروں گا اس رشتے کو نبھانے کو. آپ جب بھی چاہیں آپ جان چھڑا سکتی ہیں. یو ہیو مائی ورڈ. Anyways, thank you. Oppo, Ammi ghar kab wapas aayengi? جب تم اسکول سے واپس آؤ گی نا تب امی گھر ہوگی. سمجھ آئی؟ پپو آپ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نہیں میرا بچہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہی. اب اٹھو اور جلدی کرو. یہ بیگ پہنو. تم اپنا بیگ پہنو نا. جلدی کرو بہت دیر ہو گئی آج. اللہ میاں بوٹل 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 پکڑو بوٹل پکڑو. چلو 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 چلو. پاپا چلو یار میں بات کر لوں گا واسط بھائی سے. نہیں جانا مجھے اس گھر واپس جب تک واسط میری ساری شرط پوری نہیں کرتا. پاپا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنا عرصہ واسط بھائی کے ساتھ رہ کے بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی آسانی سے تمہاری وہ شرط پوری نہیں کریں گے. تو کیا کروں؟ کرنے دوں دونوں بہن بھائیوں کو ان کی منمانی؟ نہیں آپا یہ کب کہا میں نے. لیکن تمہیں اپنی شرط پوری کرانے کے لیے اپنے گھر جانا ہوگا. نہیں ہے وہ میرا گھر. ابھی نہیں ہے نا لیکن بہت جلدی ہو جائے گا. بس تمہیں سمجھداری اور عقل سے کام لینا ہوگا پلیز. اچھا تم ہی دے دو مجھے تھوڑی سی عقل. سب سے پہلے تو تم میرے ساتھ چلو. ایک دفعہ میرے سامنے باسط بھائی سے دوبارہ اس موضوع پہ بات کر لو پلیز. ہاں وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے. میں بات کروں گی اور وہ میری بات مان جائیں گے. کوئی بات نہیں نہ مانے اس کے بعد دوسرا راستہ ہے میرے پاس. وہ کیا؟ وہ میں کسی دن فرصت سے بیٹھ کے بتاؤں گا. ابھی تم چلو یار جاؤ چادر پہن کے آؤ. بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کے بھابھی کو لے آؤں. دراصل میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں جو ہوا. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم نے ایسا سوچا کیسے. یہی ٹھیک ہے بھیا آپ نے دیکھا نہیں صرف دو ہی دن میں ماہین اور نیہا کیسے مرجھا سے گئے. بارہ تم پاگل مت بنو. چاہے میرا گھر اجڑ جائے تم کیسرا سے معافی نہیں مانگو. کیونکہ تم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ تمہیں معافی مانگنی پڑے.
उसको तो बस कहना आता है, किसी की एक बात सुनने की रवादार नहीं है ना समझ सकती है। वो बस ये साबित करना चाहती है कि हम उसके गुलाम। अब जरा दो दिन भाई के यहाँ रहेंगी ना तो उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। पड़े रहने दो। देखा तुमने कैसे दोनों बहन भाई सर जोड़ के मेरी बुराइयां कर। मुझे तो पहले ही पता था कि ये मेरी गैर मौजूदगी में बासित के कान भरती है। बस करो आपा, दो दिन हो गए तुम्हें रोते रोते, ये लो पानी पियो। अरे किसी का क्या गया, मेरे बच्चे दो दिन मुझसे नाक दूर रहे। तो तुम खुद ही घर छोड़ के गई थी, तुम्हें किसी ने निकाला तो नहीं था। अरे तो और किस तरह निकाला जाता है। देखो कैसरा बेगम, एक बात कान खोल के सुनो, जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। मैं आज हूंगा नकारा नहीं हूँ, तो तुम्हारी धमकियों में आकर डर जाऊंगा। सुन लिया, सारी जिंदगी हो गई मुझे इनकी खिदमत करते करते, और ये कहने को तो मेरा शौहर है लेकिन इसे मेरी जरा बराबर परवाह नहीं है। अरे बस बस आपा, थूक भी दो गुस्सा। देखो बासित भाई तो खुद तुम्हारे सामने परेशान खड़े। और बासित भाई, आप ये रोज रोज के झगड़े को घर से खत्म क्यों नहीं कर देते? आखिर क्या बुराई है मुझमें? आपकी बहन ऐश करेगी घर में ऐश, आप क्यों नहीं सोचते इस बारे में? देखो मियाँ, ये अलीना की पूरी जिंदगी का मामला है और उसे हक है कि अपनी जिंदगी का फैसला वो सोच समझ के करे। और यूं भी कैसरा के बड़े एहसानात हैं, हम मजीद उसके एहसानों के नीचे नहीं उतरना चाहते। आपा तुम पानी को पियो। करे नहीं पीना, जहर ला दे मुझे। Hi babe, how are you? Where have you been? Don't you miss me? अच्छा forget all that. मुझे बताओ बीबी जान से मेरे मुतालिक बात की? नहीं अभी उनको नहीं बताया मैंने। What do you mean? मैंने बोला था कि तुम जाते साथ ही उनसे बात करोगे। बता तो रहा हूँ ना यार, मौका नहीं मिला यार, वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? यार you know, she's a heart patient. And वैसे भी आजकल वो थोड़ी लो फील कर रही है। I really don't know what's going on. यही वजह तो नहीं है कि तुम्हें पाकिस्तान बुलाया गया है? तो वो यही वजह है ना, इसलिए तुम्हारे बारे में उनको नहीं बताया। Yeah, just give me some time. I'll be sure to tell her. Oh God, I'm so sorry to hear that, Hashir. अच्छा Forget everything, okay? Just look after her and baki baatein baad mein hoti rahengi. Waise bhi it's not like I can travel anytime soon. Ye chodo, ye batao tumhara time kaisa guzra hai? How's it going back home? Very good. Maine tumhe bataya tha na ki JK ke saath ek ongoing project chal raha hai mera aajkal. Kafi difficult banda hai yaar wo. Maine tumhe bataya tha uske saath kaam mat karna. What are you doing? Relax, Hashir. No need to overreact. JK bura insaan nahi hai. Difficult जरूर है। अच्छा listen, forget everything. मुझे ये बताओ कि तुम्हारा टाइम कैसा गुजरा? Yeah, मुश्किल है। He's a pig. Anyways, यार बस टाइम गुजर रहा है यार। आ तो गया हूँ लेकिन it's really boring here. I just can't wait to get back. Aww. Well, I hope तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरे और बेहतर हो जाए। But listen. Would it be okay if I just excuse myself for now? Meri ek meeting hai na, I haven't even started getting ready. All right. I'm just gonna aimlessly wander the internet and then go to bed. All right. Take care. Bye. Ciao, I miss you. Bye. Thank you.
बीबी जान, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? नाश्ता कर लीजिए बीबी जान, आपने दवा भी लेनी है अभी। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से बताकर चला गया। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कितनी तकलीफ कितनी अज़ियत से गुजरे होंगे हम लोग। वो मर्द है बीबी जान, उसे अपने फैसले करने का पूरा इख्तियार है, उसे आजादी से जीने का पूरा हक है और उससे ये हक कोई नहीं छीन सकता। क्यों हलकान हो रही है? आज नहीं तो कल ये सच सामने आना ही था। चुप कर जाओ फिरोजा, चुप कर जाओ। उसने बहुत दिल दुखाया है मेरा। वो क्या समझता है मैं इतनी आसानी से उसकी पसंद को कबूल कर लूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। उससे बोलो यहां से चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए चला जाए यहां से। मेरी जान, जबरदस्ती मत करें, ऐसा ना हो वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। गुजरते